आज हमारा एसी ख़राब हो गया है, ये देखो एसी का स्टैंड लगा हुआ निकल के, और बिल्कुल भी ठंडक नहीं हो रही थी, तो भैया जी आए बता रहे गंदा हो गया, तो अंदर से सफाई अच्छे से हो रही है, तो आइए देखें स्प्लिट एसी की सफाई कैसे होती है। हेलो गाइस, कैसे हैं? गुप्ता सागर स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। और आप लोगों ने यदि हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं जो भी अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। आइए देखिए ऐसी कैसे सफाई होती है। और गर्मी का टाइम था तो एसी एकदम बिल्कुल भी ठंडक ही नहीं दे रहा था, तो फिर कंप्लेंट कराई। ये भैया लोग देखने आए, आप देख सकते हो, इन्होंने देखा, ये देखिए रखा हुआ है, इसकी सफाई कर रहे हैं, ये कितना काला दिख रहा है, और अभी अच्छे से साफ करेंगे तो इसका कलर ही बदल जाएगा। हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि भाई इतनी डस्टिंग कहाँ से आ जाती है, पर आ जाती है। ये इसका पाइप भी साफ़ कर रही है पानी चला के अच्छे से, ये देखिए इसमें भी डस्टिंग भर गई थी, और इसीलिए एसी से मतलब ठंडा नहीं हो रहा था। और गर्मी का टाइम, हल्की बरसात होती तो और उमस हो जाती है, तो बिल्कुल भी आजकल इसके बिना तो गुजर नहीं। और जितनी ही चीज़ें होती हैं उतनी ही प्रॉब्लम बढ़ जाती है, कभी कुछ सही कभी कुछ सही, तो एक ना एक चीज़ चलता ही रहता। और ये एसी वाले भैया जो सही करने आए, इन लोगों को देखिए, कोरोना का टाइम चला पर इन्होंने पूरा ध्यान रखा है, अपने मास्क कवर भी कर रखा है, और पैरों में भी सूज पहन रखे हैं ऊपर से, जिससे कोई दिक्कत। अब ये देखिए इसका कलर देखिए एकदम बदल गया है साफ होके, उस टाइम कितना काला था, ये अच्छे से सफाई हो गई है। लग ही नहीं रहा कि ये स्प्लिट एसी रखा है, लग रहा पता नहीं ये क्या है भाई, समझ ही नहीं आ रहा है। पर है ना, जिसका काम होता उसी को समझ में आता, वही सही से कर पाते हैं। और ये देखिए भैया लोग आए हैं, इनको 2 घंटे हो गए हैं काम करते हुए, और ये साफ़ सफाई अच्छे से हो चुकी है, अब ये फिट करने जा रहे हैं। ये देखिए ऊपर पाइप, उसमें लगा हुआ था पाइप भी, पाइप में भी धूल जमा हो गई थी, पता नहीं चलती है क्योंकि बाहर से जो धूल वगैरह होती है तो इसमें भर जाती है। और कई बार इसको चेक कराया कंप्लेंट की, तो पता चलता था कि अरे गैस फुल है, कोई कमी नहीं है, पर इस बार अच्छे से जब देखा तो उनका इसकी सफाई ज़रूरी है। और ये भैया देखो फिट कर रहे हैं, गर्मी के वजह से तो बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ता भाई, आदत पड़ जाती है। इससे पहले हम लोग एक पंखे में सारा घर सो जाया करता था, फिर कूलर आ गए, कूलर में अच्छा लगने लगा, अब ये एसी आ गए हैं, तो जैसे जैसे हम लोगों के पास साधन बढ़ते जाते वैसे ही हमारा बॉडी है ना, वही उसी के आभार से, मतलब उसी बॉडी उसी के जैसी हो जाती है। पहले पंखे में नींद आ जाती थी, फिर कूलर में, अब तो एसी ना चले तो लगता नींद ही नहीं आती है। और ये देखिए अब लगा फिट हो गया है, अब लग रहा है हाँ कुछ है भाई, और अच्छे से अभी चेक करेंगे, भैया जी बोल रहे हैं इन्होंने फिट कर दिया है, थोड़ा सा नीचे फिटिंग सही नहीं थी तो उसको बोल रहे हैं सही कर दो, पर इसके बिना भाई बिल्कुल भी चैन नहीं आ रहा था। और आज आप लोगों ने देख लिया है कि स्प्लिट एसी की सफाई कैसे होती है, और कभी आपको भी अगर कूलिंग कम हो तो फिर प्लीज़ उसकी अपने एसी की सफाई ही करवाएं। और भैया जी चाय पी लो, ये चाय बन गई है, उसके बाद करिए आप लोग। देखिए बिल्कुल फिट हो चुका है, और अब ये चेक करवाने को बोल रहे हैं कि अभी थोड़ी देर चला के चेक करें कि आप ठंडक पूरी आ रही है या नहीं। पहले मुझे लगता था भाई एसी एक बार लग जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर पता नहीं, अब पता चलता है कि जितने जितने चीज़ें बढ़ती जाती है घर में उतनी प्रॉब्लम भी साथ में बढ़ती जाती है। अब एसी चालू कर दिया है, अब ये ठंडक चेक कर रहे हैं, भैया जी बोल रहे ठंडक चेक करो, तो अब एसी सही हो गया है, कमरा ठंडे होने लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी वीडियो देखने के लिए, और कैसी लगी स्प्लिट एसी की सफाई।